हेलो दोस्तों, हिंदी लुक अपने आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं या जानते होंगे कि कई देशों में भारी भोजन करने के बाद चाय पीने का रिवाज होता है। वो चाय इसलिए पी जाती है ताकि भोजन का पाचन तेजी से हो सके और अपच, बदहजमी और उनसे जुड़ी समस्याएं ना हो, जैसे खट्टी डकार आना, पेट का फूलना, बहुत ज्यादा गैस बनना। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि बदहजमी यानी पाचन का कमजोर होना के कारण इनडाइजेशन की जो समस्या होती है, उसी के कारण अधिकतर पेट संबंधी रोग होते हैं, जैसे एसिडिटी होना, बहुत ज्यादा गैस बनना, बुरे बुरे डकार आना, पेट में बार बार गैस का बनना, और गैस यदि पेट में बन जाए तो वो बाहर ना निकल पाना, कब्ज की समस्या होना के अलावा और भी बहुत सारे पेट संबंधी आपको रोग हो सकते हैं बदहजमी या हाजमा कमजोर होने के कारण। तो आज हम आपको ऐसा नुस्खे के बारे में बताएंगे जो आपके डाइजेशन को मजबूत करेगा, एसिडिटी अपच की समस्या को दूर करेगा और इनडाइजेशन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उससे आपको मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, हम जीरा अजवाइन की चाय बनाने के बारे में आपको बताएंगे। ये चाय बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है ब्लोटिंग, इनडाइजेशन, वीक डाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। ये चाय कैसे बनानी है और कैसे काम करती है इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हम जीरे के गुण के बारे में आपको बता दें कि कैसे ये आपके पेट के लिए काफी फायदेमंद होता है। दोस्तों, रिसर्च में ये कन्फर्म हो चुका है कि जीरा जो है आपके इनडाइजेशन की समस्या को दूर करता है और डाइजेशन को फिर से सामान्य करने में मदद करता है। जीरा आपके पाचक एंजाइम्स को सक्रिय करके आपके पाचन की क्रिया को तेज करवाने में मदद करता है। जीरा आपके लीवर को भी सक्रिय करता है जिससे भारी भरकम भोजन भी आसानी से पच सकता है। जीरे में एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं जो कि सामान्य बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करता है। जीरे का नियमित सेवन यदि आप करते रहते हैं तो आपको पेट के रोग आसानी से नहीं हो पाएंगे। ये तो थी जीरे की बात, अब करते हैं अजवाइन की बात। अजवाइन में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि आपके पाचन अग्नि को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे आपका पाचन सुधरता है, मजबूत बनता है। अजवाइन में एंटासिड गुण पाए जाते हैं जो कि आपकी एसिडिटी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। अजवाइन के गुण गैस को बनने से रोकते हैं और पेट में गैस यदि भरी हुई है तो उसे बाहर निकालने में मदद भी करते हैं। अजवाइन में दर्द निवारक और एंटी स्पास्मोडिक गुण पाए जाते हैं जो कि पेट में दर्द और मरोड़ की समस्या को होने से रोकते हैं। यही कारण है कि छोटे बच्चों को अपच या पेट में दर्द होने पर अजवाइन का पानी पिलाया जाता है। दोस्तों, इस नुस्खे में हम थोड़ी सी हींग का भी प्रयोग करेंगे। हींग में कार्मिनेटिव गुण पाए जाते हैं यानी कि गैस को बनने से रोकने वाले गुण, इसलिए यदि आपको खाना खाने के बाद बार बार गैस बनने की समस्या है या हमेशा गैस से आप परेशान रहते हैं तो इसमें हींग आपकी मदद कर सकता है। इसके अलावा इस नुस्खे में हम चौथे घटक का इस्तेमाल करेंगे जो है काला नमक। काला नमक में पेट की एसिडिटी को घटाने वाले गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा यह है आपके पेट से गैस को बाहर निकालने में मदद करता है और कब्ज की समस्या को होने से रोकता है। अब दोस्तों, आपको एक काम करना है कि सबसे पहले आपको 2 कप पानी लेना है। उस पानी में आधा चम्मच पिसा और भुना हुआ जीरे का डालना है, आधा चम्मच अजवाइन का डालना है, अंत में 1 चुटकी हींग और काले नमक की डालनी है। यदि आपको बार बार जी मिचलाने की समस्या है, भोजन के बाद जी मिचलाता है, आपको उल्टी जैसा लगता रहता है बार बार, तो ऐसे में आपको आधा नींबू इसमें डालना है। इसको 10 मिनट तक आपको उबालना है इन सभी चीजों को पानी के अंदर। अंत में इसे छान लेना है और जैसे आप भोजन करते हैं उसके थोड़े समय बाद इस मिश्रण का 1 कप धीरे धीरे करके आपको पीना है। दोस्तों, यह नुस्खा मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जब हमारे साथ खुद के साथ ऐसा होता है तो हम भी इसी नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं और यह वाकई में काम करता है। आप एक बार इस नुस्खे का इस्तेमाल करके देखिए। यदि आपको अपच की समस्या है, बदहजमी रहती है, गैस अधिक बनती है, खट्टे या बुरे डकार आते हैं, जी मिचलाता रहता है, आपको पहली बार से ही इस नुस्खे से आराम मिलने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।